हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंक राजन, एसआरसीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय नारायणा हेल्थ में छोटे बच्चों की कैंसर स्पेशलिटी ट्रेनिंग ले रहा हूं। और आज हमारे साथ डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए, डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे एंड डॉक्टर रुचिरा मिश्रा जी। डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे हमारे बाल कर्क रोग की प्रमुख हैं और डॉक्टर रुचिरा मिश्रा जी हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। इन दो व्यक्तियों को मैं चंद सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे जी को, 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर पूर्णा जी, हमें आप ये बता सकती हैं कि ये प्रथा कब और कैसे शुरू हुई? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये प्रथा 2002 में शुरू हुई, इसलिए आज वो 20th इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है, जो आमतौर पे ICCV के नाम से प्रख्यात है। और ये दिन मनाना चालू किया चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल, जो संस्था बाल रोग के पेशेंट्स, बाल रोग के पेशेंट, उनके माता पिता और उनका कुटुंब और समाज के कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके सपोर्ट के लिए। और उसके साथ में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, जो बाल कर्क रोग के विषय में रिसर्च और एजुकेशन में शामिल है। तो ये दोनों ने मिलके ये दिन 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे से उसको नवाजा है। और उसका मुख्य ध्येय ये है कि ये दिन समाज में बाल कर्क रोग के दिन की जागरूकता, उसके बारे में, चाइल्डहुड कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करें, क्योंकि आम जनता में एक तो कैंसर के नाम से एक डर रहता है और एक समझ रहती है कि कैंसर सिर्फ बड़ों में ही होता है, बच्चों में नहीं होता है। तो ये जो गलतफहमी है वो दूर करने के लिए और उसके लक्षण जानने के लिए और उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आगे बढ़ने के लिए, ये जागरूकता निर्माण करने के लिए अभियान चुना गया है। थैंक यू सो मच मैम। अगला सवाल मैं डॉक्टर रुचिरा जी से पूछना चाहूँगा कि एवरी ईयर ICCD या इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का थीम रहता है। मैम, आप बता सकते हैं इस साल का क्या थीम है? इस साल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है। इट इज बेटर सर्वाइवल इज थ्रू योर हैंड्स, व्हिच मींस वी गोइंग टू ऑफर बेटर केयर बाय द ऑफर द राइट केयर बाय द राइट टीम एंड एट द राइट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट केयर है, जो राइट इलाज है, जो सही इलाज है उस बच्चे के लिए, वो उस बच्चे को दिया जाना चाहिए। सही इलाज माने लोग सोचते हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी है या सिर्फ ऑपरेशन है, तो ऐसा नहीं है। इलाज में तीनों मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट यूज होते हैं। कीमोथेरेपी भी यूज होता है, सर्जरी भी यूज होता है और रेडिएशन भी यूज होता है। और जो कैंसर का जिस प्रकार का है और जितना फैला हुआ है, उस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी पद्धति हमको इस्तेमाल करनी है, क्या एक से काम चलेगा या हमको दो या तीनों इस्तेमाल करनी है। तो जो राइट केयर उसके लिए डिफाइंड है और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बनाते हैं ये प्रोटोकॉल्स। वो राइट टीम को जो दे पाए उस ट्रीटमेंट को, माने वो लोग जो इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं, जैसे जो बाल कर्क रोग के विशेषज्ञ हैं, देश वो लोग ट्रीटमेंट ऑफर करें, या जो स्पेशलिस्ट हैं, जो ऑन्को सर्जन्स हैं, वो सर्जरीज करें, या रेडिएशन स्पेशलिस्ट रेडिएशन दें उसको। सो द राइट टीम, देयर नीड्स टू बी अ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द चाइल्ड। सो सब लोग मिल करके देखते हैं कि क्या उस पेशेंट के लिए, उस बच्चे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट हम ऑफर करें उसको, एंड एट द राइट टाइम। सो सही टाइम पे वो इलाज उसको मिलना चाहिए। बेस्ट इलाज तब मिलेगा जब जल्दी से जल्दी बच्चा हमारे पास आ सकता है। सो दिस कैन हैपन इफ वी ऑल गेट टुगेदर। हम सब मिलकर के काम करेंगे, तब हम ये अपना मोटो अचीव कर पाएंगे। समझ, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। अगला सवाल डॉक्टर पूर्णा जी को। मैम, आप कहते हैं कि ये जागरूकता का दिन है, तो जागरूकता लाने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जागरूकता लाने की जरूरत ये है कि एक जो गलतफहमी है कि बच्चों में कैंसर नहीं होता है, ये गलतफहमी हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छी तरह से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट की तो वो 70 से 80% बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत लोगों के लिए और पालकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही पॉजिटिव एटीट्यूड आती है और ट्रीटमेंट करने की और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने की एक हौसला बढ़ता है। और ये जो बच्चों में जो कैंसर है उसकी एक विशेषता है कि अगर वो 5 साल में वापस ना आए तो 95% चांस है कि वो कभी भी वापस नहीं आएंगे और ये बच्चे पूर्ण रूप से क्योर हो सकते हैं। जबकि हम बड़ों में कैंसर में हम कंट्रोल की बात करते हैं 5 साल 10 साल, क्योंकि कभी ना कभी रोग वापस आ सकता है, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कैंसर है। तो वो कैंसर अलग रीच से उसका बर्ताव है, जबकि बच्चों के कैंसर में ऐसा कोई कारण ना होने से वो अगर एक बार ठीक हो गए तो वो क्योर के रूप में माना जाता है। और 5 साल ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक माइलस्टोन है, जो अगर क्रॉस कर दिया बच्चे ने अच्छी तरह से तो वो पूर्ण रूप से क्योर हो सकता है, क्योर हो गए ऐसे हम मानते हैं। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो लोगों को पहुंचा के उनका हौसला बढ़ा के इसमें आगे कदम करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम ये जागरूकता निर्माण करना चाहते हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक और सवाल मैं डॉक्टर रुचिरा जी से कहना चाहूँगा कि ये जागरूकता के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी शंका है कि आपका बच्चा बीमार है किसी वजह से, तो देर नहीं करनी चाहिए अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। और कैंसर के कुछ लक्षण हैं जिनको अगर सब लोगों को पता हो उनके बारे में, तो जल्दी हम उसकी जांच कर सकते हैं और जल्दी देख सकते हैं कि बच्चे को कैंसर है कि नहीं, और फिर इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है। ये जो लक्षण है हम उनको एक निमोनिक दे देते हैं, याद करने के लिए बहुत आसान है। अगर चिल्ड्रन वर्ड याद कर लिया तो आपको याद रहेगा कि किन लक्षणों से आपको आपके सतर्क रहना है। चिल्ड्रन में अगर आपका कंटिन्यूस वेट लॉस हो रहा है, बच्चे को बिना किसी कारण से उसका वजन गिरता ही जा रहा है, तो उसका जांच होना जरूरी है। अगर सिर दर्द हो रहा है बच्चे को, हेडेक्स हैं एसोसिएटेड, स्पेशली अगर वो वॉमिटिंग या उल्टी के साथ एसोसिएटेड और बिना किसी कारण हो रहे हैं, तो उनकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी उसके हाथ या पैर में सूजन आ रही है तो उसकी जांच होनी ज़रूरी है। अगर गिल्टियाँ हो रही हैं, सो जनरली आपके गले में गिल्टियाँ हैं या बगल में गिल्टी है या चाँद में गिल्टी हो रही है और वो एंटीबायोटिक दे करके कम नहीं हो रही, तो उनकी भी हमको जाँच फटाफट करनी चाहिए। तो ये लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे बच्चे को चोट लगती है जल्दी और उससे ब्लीडिंग या ब्रूजिंग ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो उसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर विजन या देखने में उसकी सडनली चेंजेस आप नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्दी उसका विजन गिर रहा है या उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई चेंजेस वो ध्यान रखने पड़ेंगे। और हम कहते हैं कि आपकी आँख की जो पुतली होती है, जो नॉर्मली लोगों की काली या लाल दिखती है जब फोटोग्राफ आप लेते हैं, तो अगर वो सफ़ेद दिख रही है आपको तो वो पैथोलॉजिकल है, उसका जांच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली 5 साल से कम के बच्चों में अगर ये वाइट आई रिफ्लेक्स दिख रहा है तो ये ऑलमोस्ट शॉर्ट साइन है कि बच्चे को आँख का कैंसर हो रहा है। अगर उल्टियाँ हो रही हैं बिना किसी वजह से या नौसिया परसिस्ट कर रहा है, उल्टी का जी मिचलाता है बच्चे का, तो वो जांच होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये 6-7 लक्षणों के बारे में आप ध्यान रख लेंगे या पेट में कहीं पे आपको लंप फील हो रहा है, कोई मास फील हो रहा है, तो वो धीरे से आप मतलब उसको ये मत सोचिए कि निकल जाएगा, वो जाँच फटाफट करवाएं उससे। मैं एक ही बताना चाहूँगी कि कोई भी बच्चों के कैंसर के जो लक्षण हैं वो एक नहीं है। सामान्य रूप से जो उनको बीमारियां होती है, बच्चों की बीमारियां रहती है, वैसे रहते हैं। पर अगर वो ज़्यादा दिन रही और उसका स्वरूप बढ़ते रहा तो माँ बाप को सतर्क रह के उसके आगे तपास करनी चाहिए। शुक्रिया। अगर कोई परिवार में पता चले कि कोई बच्चे को कैंसर की शंका है तो काफ़ी टाइम माँ बाप हताश हो जाते हैं। हम ऐसे परिवार में ऐसे बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं और आप इन माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो डॉक्टर कुरकुरे ने अभी बोला कि हमारे यहाँ बच्चों के कैंसर को हम लाइलाज बिल्कुल भी नहीं मानते। हम जानते हैं कि उसका इलाज है और हम ये भी जानते हैं कि 5 साल बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। तो हताश होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर मन में तभी भी शंकाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से बात करिए, अपनी शंकाओं को दूर करिए। पर यह मत सोचिए कि कैंसर का डायग्नोसिस हो गया और मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। ऑलमोस्ट 80 से 90% कैंसर जो बच्चों में देखे जाते हैं, वो इलाज है उसका, आपका बच्चा ठीक होने का चांस पूरा रखता है। और जहाँ तक बात रही कि ये सोचें कि हम ट्रीटमेंट जो है वो पैसे खर्चा होंगे उसमें या हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों के कैंसर में मदद करने को तैयार हैं। वो संस्थाएं पैसे से मदद करती हैं, दवाइयों से मदद करती हैं। आपको बस पहुँचना है अस्पताल तक, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो हताश मत होइए, सवाल पूछिए और ट्रीटमेंट के लिए आगे हाथ अपना कदम बढ़ाते रहिए। एक सवाल मैं डॉक्टर कुरकुरे जी से पूछना चाहूँगा। आपने बताया मैम कि कैंसर का इलाज है और बचने की क्षमता 70 से 80% है। क्या ये बच्चे सच्चे रूप से ठीक हो सकते हैं? उनका भविष्य कैसा रहेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज़्यादा करके कैंसर जब हम सोचते हैं तो उसको हम कंट्रोल के रूप में ही मानते हैं कि कैंसर हम ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं पर क्योर नहीं कर सकते। ये कैंसर कभी ना कभी वापस आता है। ये जो एक्सपीरियंस है वो हम बड़े लोगों को, एडल्ट की कैंसर से हमें मिलता है, ये जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। पर बच्चों के कैंसर अलग से हैं और वो पूर्ण रूप से क्योर हो सकते हैं। और अगर वो 5 साल हम निकल जाए अच्छे बच्चों के ट्रीटमेंट के बाद, डायग्नोसिस से 5 साल और नहीं तो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 2 साल बाद अगर वो बच्चे अच्छे हैं, उनका रोग वापस नहीं आया है, तो 95% चांस है कि उनका रोग वापस नहीं आएगा। सिर्फ बहुत 5% कम चांस रहता है जब लेट भी कभी वापस आता है, पर वो बहुत कम, छोटा सा चांस है। तो ये बच्चे क्योर होने से जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो नॉर्मल उनका ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं और वो नॉर्मल रूप से एडल्ट होते हैं और समाज में एक आम नागरिक की तरह उनको हम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 70 से 80% जो अच्छी होने की संभावना है वो डेवलप कंट्री से आई है। तो उधर तो ऐसा माना जाता है कि एक बच्चा अगर एक हॉल में 550 लोग हैं तो उसमें एक रहेगा एडल्ट जो बचपन में कैंसर से पीड़ित था। तो इतना स्वाभाविक है कि आप ये सर्वाइवर्स को किधर भी मिल सकते हैं और वो अपने नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम और उनके उद्योग में आगे बढ़ते हैं, अपना घर बसाते हैं। तो ये जो है सब नॉर्मल रूप से उनके साथ होता है। सिर्फ एक बात हमें याद रखना है कि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे कई बार छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं लेट इफेक्ट के रूप में, और इसीलिए ये क्योर हम बोल देने के बाद भी हम उनको निगरानी में रखते हैं और उनको ये लेट इफेक्ट क्लिनिक जो बोलते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ACT क्लिनिक, उसमें हम रेगुलरली बुलाते हैं और ये जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज ये कैंसर जागरूकता के साथ ये भी कहूँगी कि जो भी बच्चे अच्छे हो गए उनको उनके डॉक्टर की निगरानी में रहना ही चाहिए और ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिक में जो है उधर जाना चाहिए। SRCC अभी 5 साल ख़त्म करेगा ये 2 महीने में, तो हम भी ये क्लिनिक चालू करेंगे जिससे कि जो पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है उसको हम हमारे निगरानी में ये स्पेशल क्लिनिक में रखें। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। डॉक्टर रुचिरा जी और डॉक्टर पूर्णा जी ने अभी तक जो भी हमें कहा वो बहुत ही प्रेरणादायक था। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर रुचिरा जी से पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी और ये समाज आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है? इतना बढ़िया सवाल है ये। हर कोई हमारी मदद कर सकता है। हम जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे का हाथ नहीं बांटेंगे हम उस बच्चे का इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ डॉक्टर इलाज नहीं करता है। हम लोग कहते हैं कि इट टेक्स अ होल विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड एंड सो इट टेक्स एवरीवनस एफर्ट टू ट्रीट दिस चाइल्ड। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप पैसों से मदद कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आप किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो कि कैंसर के साथ या बच्चों के कैंसर के साथ जुड़े हुए हैं। वो बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रख रहे हैं, वो उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डिसाइड करिए कि आपका किस विषय में और किस तरफ रुझान है और उस तरफ जाकर के मदद कर सकते हैं। कुछ लोग प्ले थेरेपिस्ट बन करके या म्यूजिक थेरेपिस्ट बन करके हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर करते हैं। तो आप एज ए वॉलंटियर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल में आकर के इन बच्चों का मन बहला सकते हैं, उनको आपकी कहानी सुना सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं 5 साल बाद अपनी नॉर्मल सोसाइटी में फिर घुल मिल जाएंगे, तो उनका वो पूर्ण तरह विकास होना बहुत जरूरी है। आप एक स्कूल टीचर बन करके हमारे बच्चों को आकर के 2 घंटे पढ़ा करके जाइए, हमारा बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा, उस बच्चे का भी मन रख जाएगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, माँ बाप जो हैं वो अपनी सोसाइटी और अपने समाज से ही सुन करके डिसाइड करते हैं कि उन्होंने बच्चे का इलाज करना है कि नहीं करना है, और आप ही वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो अगर आप उन माँ बाप को सही सलाह देंगे कि आपके बच्चे को भले ही कैंसर डायग्नोस हुआ है, आप प्लीज जाकर के इलाज कराइए, तभी वो माँ बाप आगे बढ़ करके आएंगे हमारे साथ। तो प्लीज उनको वो सलाह मत दीजिए कि अब आपका बच्चा जला गया या कुछ हो गया। आप उनको सलाह दीजिए कि प्लीज हॉस्पिटल जाकर के इलाज कराइए। इंडिया में बहुत अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किसी भी सेंटर में अगर वो पहुँच गए तो उस बच्चे की जान हम बचा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। एसआरसीसी के साथ अगर आप आना चाहते हैं तो आप प्लीज़ किसी दिन एसआरसीसी आकर के घूमिए एंड डिसाइड करिए कि आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं, या किसी और हॉस्पिटल के साथ जुड़िए। तो प्लीज़ हमारे साथ हाथ मिलाकर काम करेंगे तो हम एक दिन इन सब बच्चों का इलाज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पूर्णा जी और डॉक्टर रुचिरा जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इस जानकारी के लिए मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर प्रियांक एज वेल। डॉक्टर प्रियांक के हम भी बहुत आभारी हैं क्योंकि आज उन्होंने ये सारे प्रश्न जोड़े हैं हमारे लिए कि नॉर्मल क्वेश्चंस माता पिता ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज उनका हम लोग जो है आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर प्रियांक। थैंक यू सो मच।